गाइज, बहुत सारे लोगों को लगता है कि YouTube सिल्वर प्ले बटन हमें खुद से भेज देता है, बल्कि ऐसा नहीं है। जब भी हमारे चैनल पे कोई माइलस्टोन पूरा होता है, जैसे कि 100K पे हमें सिल्वर प्ले बटन मिलता है, गोल्डन प्ले बटन 1 मिलियन पे मिलता है और 10 मिलियन पे हमें डायमंड प्ले बटन मिलता है, तो जैसे ही हमारा कोई माइलस्टोन पूरा होता है तो उसके बाद हमें YouTube एक रिडेम्पशन कोड देता है जिसकी मदद से हम सिल्वर प्ले बटन के लिए अप्लाई कर पाते हैं। तो इसका एक पूरा प्रोसेस है जहां पे हम अपने चैनल का डिटेल, नेम और किस एड्रेस पे हमें मंगाना है, ये पूरी चीजों को हमें फिलअप करना पड़ता है, देन अप्लाई करना पड़ता है। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप घर बैठे YouTube अवार्ड को मंगा सकते हो। गाइज, कोई भी यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड जैसे कि सिल्वर प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन या फिर डायमंड प्ले बटन को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो सेम है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल पे या फिर लैपटॉप या डेस्कटॉप पे क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। देन आपको सिंपली इस वाले वेबसाइट पे आ जाना है जिसका नाम है societyawards.com। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, जहां से आप डायरेक्टली क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। यहां पे जैसे ही आप ओपन करेंगे, ऊपर गेट रेडी टू सेलिब्रेट करके इंटरफेस ओपन होगा। सो आपको क्या करना है, यहां नीचे आ जाना है। नीचे आपको यहां पे एंटर रिडेम्पशन कोड लिखा हुआ मिलेगा। तो यहां पे किसी भी अवार्ड को अप्लाई करने के लिए यहां पे हमें एक रिडीम्पशन कोड की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारा माइलस्टोन, चाहे वो 1 लाख सब्सक्राइबर हो या 1 मिलियन हो, पूरा होने के बाद यूट्यूब की तरफ से मिलता है। जैसे कि आपके चैनल पे जब 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होंगे और आप जब सिल्वर प्ले बटन के लिए इलिजिबल होंगे, तो 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने के 10 to 20 days बाद जो है यूट्यूब की टीम आपकी रिव्यू करके चैनल को और आपको रिडीम्पशन कोड भेज देती है, मेल के थ्रू भी भेज देती है और इवन आपके यूट्यूब के क्रिएटर स्टूडियो के डैशबोर्ड पे भी दिख जाता है। सो वहां से हमें उस कोड को कॉपी करके यहां पे पेस्ट करना होता है। अगर आपको रिडीम्पशन कोड नहीं मिला है या फिर रिडीम्पशन कोड लेने में कोई दिक्कत आ रही है और इस पे आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि अगर आपको यूट्यूब की तरफ से अभी तक नहीं मिला है तो आप खुद से कैसे पता कर सकते हैं अपने चैनल के लिए रिडीम्पशन कोड। गाइस, यहां पे मैं आपको मेल दिखा देता हूं अपना। जैसे कि मेरे को भी यूट्यूब की तरफ से रिडीम्पशन कोड मिलने में देरी हो गई थी, तो मैं यूट्यूब की टीम से कॉन्टेक्ट किया था, तो फाइनली यूट्यूब ने मेरे को यह कोड भेज दिया है। सो क्या पूरा प्रोसेस है मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको वीडियो चाहिए इस पे डेडिकेटेड। तो सिंपली यहां से कोड को कॉपी करना है और यहां आ जाना है societyaward.com वाले वेबसाइट पे, और यहां पे क्या करना है, सिंपली इस कोड को जो है पेस्ट कर देना है। कुछ इस तरीके से कोड को पेस्ट करने के बाद सिंपली आपको यहां रिडीम अवार्ड पे क्लिक कर देना है। गाइस, जैसे ही रिडीम अवार्ड पे आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। सो गाइस, जैसा कि मैं यहां पे सिल्वर प्ले बटन के लिए एलिजिबल हूं, तो नीचे यूट्यूब चैनल नेम को हमें एंटर करना है। सो जो भी आपके चैनल का नेम है यहां पे आपको डाल देना है। यहां पे जो मैक्सिमम कैरेक्टर है चैनल नेम डालने का वो 50 लेटर्स है। तो चलिए यहां पे मैं अपने चैनल का नेम डाल देता हूं। अपने चैनल का नेम एंटर करने के बाद सिंपली आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहां पे अप्रूव एंड चेकआउट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्रूव एंड चेकआउट पे क्लिक करेंगे, यहां पे कंफर्मेशन के लिए एक टैब ओपन होगा। सो सिंपली आपको यहां अप्रूव पे क्लिक कर देना है। गाइस, जैसे ही आप अप्रूव करेंगे, कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस नजर आएगा। सो इस स्टेप को आपको बहुत ही सावधानी से फील करना है, क्योंकि इस स्टेप में आपको अपना शिपिंग एड्रेस ऐड करना है, यानी कि किस एड्रेस पे आप अपने अवार्ड को मंगाना चाहते हैं वो एड्रेस फील करना है। जैसा कि हमारा अवार्ड किसी दूसरे कंट्री से आता है, तो यहां पे प्रॉपर एड्रेस डालना बहुत ही जरूरी है। इस वजह से ये सारे जो लाइंस है रेड बोल्ड कलर में लिखे हुए हैं। सो इसे आप एक बार पढ़ लेना अगर आपको इंग्लिश समझ आती है तो। वैसे मैं आपको बता दिया कि इस चीज को आप बहुत ही केयरफुली फील करना। जैसे कि नीचे आपको यहां पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है, आप वही ईमेल एड्रेस इस्तेमाल करना जिस ईमेल एड्रेस से आपका चैनल है वो रखोगे तो सही रहेगा, बाकी दूसरा इस्तेमाल मत करना। इसके अलावा जो नीचे है, आपको यहां पे कंट्री नेम डालना है, किस कंट्री से आप बिलोंग करते हो। देन आपको अपना फर्स्ट नेम, जो लास्ट नेम है यानी कि आपका सरनेम जो है वो आपको डालना है। कंपनी नेम यानी कि अगर आप किसी कंपनी से बिलोंग करते हैं तो यहां पे आप कंपनी नेम भी डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है। इसके अलावा नीचे आपको यहां पे स्ट्रीट एड्रेस यानी कि कहां से आप बिलोंग करते हो, जो स्ट्रीट एड्रेस विलेज वगैरह या जहां से भी हो वो आपको यहां पे डालना है। इसके बाद आपको यहां पे सिटी नेम डालना है, किस सिटी से आप बिलोंग करते हो, किस स्टेट से बिलोंग करते हो, क्या राज्य है वो आपको यहां पे डालना है। इसके अलावा यहां पे आपको अपना पोस्टल कोड यानी पिन कोड डालना है जो भी आपका है। इसके अलावा नीचे आपको यहाँ पे फोन नंबर डालना है और सबसे लास्ट में आपको वैट नंबर डालना है। तो यहाँ पे वैट नंबर ऑप्शनल है, यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है, लेकिन जिस जिस पे रेड स्टार लगा हुआ है वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको यहाँ पे अच्छे से डालना है। सो गाइस, चलिए जल्दी से हम इन सारी डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। गाइस, सभी डिटेल को अच्छे से फिल करने के बाद नीचे आना है आपको, और यहाँ पे आपको आधार नंबर या फिर पैन कार्ड है तो पैन आईडी जो है यहाँ पे आपको एंटर करना है, दोनों में से कोई भी चलेगा जो भी आपके पास है। तो सिंपली आपको यहाँ पे वो डिटेल ऐड कर देना है। तो गाइस, यहाँ पे अपना आधार नंबर या फिर पैन आईडी ऐड करने के बाद सिंपली आपको यहाँ नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सो गाइस, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक टैब ओपन होगा जिसमें लिखा हुआ है कि एक बार जो आपने इन्फॉर्मेशन डाल दी वो अब चेंज नहीं होगा, सो आप एक बार सही से चेक कर ले। सो आप चेक करने के बाद सिंपली यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे,
आपको यहाँ पे रिव्यू और पेमेंट्स वाला पेज ओपन हो जाएगा। डोंट वरी गाइज, यहाँ पे पेमेंट्स का मतलब ये नहीं कि आपको पेमेंट करना होगा, बस ऐसे ही एक पेज ओपन होता है। सो यहाँ पे आपको आपका बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस जो है डिटेल डाला हुआ मिलेगा, जो कि आप एक बार कंफर्म कर लेना। देन आपको यहाँ पे नीचे जो है प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, आप यहां पे देख सकते हैं थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, यानी कि हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस कर दिया गया है। और यहां पे योर ऑर्डर नंबर इज, यहां पे ऑर्डर नंबर हमारा दिया हुआ है जिसको हम आगे इस्तेमाल कर सकते हैं इनकेस कोई प्रॉब्लम होता है तो इंक्वायरी के लिए। सो आप इसको सही से सेव कर लेना, इस ऑर्डर नंबर को हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना, और इस तरीके से जो है आप अप्लाई कर सकते हो जो भी क्रिएटर अवार्ड के लिए आप एलिजिबल हो, चाहे वो सिल्वर प्ले बटन हो, गोल्डन या फिर डायमंड प्ले बटन हो।